हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों, सब्सक्राइबरों एवं व्यूअरों का स्वागत करते हुए आज मैं आपको एक यूजफुल टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए बात करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप लोग उस टॉपिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग देखते हैं आज का मॉडर्न टॉपिक जो सभी लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी एवं निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो इसके पहले थोड़ा सा हम हिंट करेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ यूं है, अगर वाक्य के अंत में तो दिखाओ, बात समझ रहे हैं, वाक्य के अंत में तो दिखाओ यदि आता है तो आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे और कैसे अपने स्पोकन को इम्प्रेसिव बनाएंगे। सपोज कीजिए वाक्य है, पढ़ा कर तो दिखाओ, नाच कर तो दिखाओ, जरा हाथ लगा के तो दिखाओ। तो मित्रों, प्रायः ऐसे वाक्य आज स्पोकन में यूज होते हैं। तो इस मॉडर्न स्पोकन स्टाइल में अगर आप ऐसे वाक्यों को बोलने में रुचि रखते हो, ऐसे वाक्यों को बोलने में आपका इंटरेस्ट हो, तो मेरे साथ अंत तक बिना वीडियो को स्किप किए हुए जुड़े रहिए और इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए आपको मैं आज का ये फार्मूला स्ट्रक्चर और उसी पर आधारित कुछ होमवर्क देंगे जो निश्चित रूप से हम सबको लाभान्वित करेगा। लेकिन वीडियो प्रारंभ हो इसके पहले हम चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, यदि नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करना भी बिल्कुल न भूलें। लेकिन पसंद आने पर लाइक और पहली बार चैनल में होने पर मित्रों सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट अपलोडिंग का नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हुए मित्रों हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सपोज कीजिए आपको कहना है, पढ़ा कर तो दिखाओ, नाच कर तो दिखाओ, जा कर तो दिखाओ, ऐसे वाक्य मिलते हैं तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रक्चर यूज करना है इसको आप देखें। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, लास्ट में आना चाहिए तो दिखाओ, ध्यान दीजिएगा तो दिखाओ। सपोज कीजिए नाच कर तो दिखाओ, पढ़ा कर तो दिखाओ, मुझे छू कर तो दिखाओ, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे अगर टॉपिक मिले तो फिर आपको क्या स्ट्रक्चर यूज करना है आइए हम कुछ देखते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो मित्रों सबसे पहले इसके लिए हमें लिखना है स्ट्रक्चर हमारा होगा सो मी प्लस टू प्लस वी वन। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है सो मी प्लस टू प्लस वी वन। सपोज कीजिए इसी पर वाक्य मैं आपको देता हूं, सपोज कीजिए लिखा है वाक्य पढ़ा कर तो दिखाओ, कहना बहुत सरल होता है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ा कर तो दिखाओ। तो फिर आप कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर आपके समक्ष लिखा हुआ है और टॉपिक है पढ़ा कर तो दिखाओ। सबसे पहले आपको लिखना है शो मी, शो मी का मतलब मुझे दिखाओ। इसके बाद आप लिखेंगे टू और टू के बाद वी वन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो आइए पहले आप लिखेंगे शो मी, फिर टू पढ़ाना के लिए होता है टीच टी ई ए सी एच। बस छोटा सा स्ट्रक्चर है मित्रों, वाक्य आपका तैयार हुआ शो मी टू टीच, पढ़ा कर तो दिखाओ, जाकर तो दिखाओ, जाकर तो दिखाओ। अब इसे आप कैसे बोलेंगे जाकर तो दिखाओ, तो आप पहले लिखेंगे शो मी टू वी वन में है गो, शो मी टू गो, शो मी टू स्लीप शो कर तो दिखाओ, शो मी टू डांस नाच कर तो दिखाओ। शायद आपके समझ में बात आ गई होगी। मित्रों ऐसे वाक्यों के लिए सबसे पहले आपको लिखना है शो मी, फिर टू लिखना है, इसके बाद वी वन या कह लीजिए इन्फिनिटिव। शो मी प्लस टू प्लस वी वन का यूज करेंगे और अपने वाक्य को हम इम्प्रेसिव स्टाइल में आसानी से बोल सकते हैं।
पढ़ा कर तो दिखाओ। शो मी टू टीच, शो मी टू गो, शो मी टू डांस, शो मी टू स्टडी, कुछ भी कहना चाहे तो आप ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए इस स्टाइल के माध्यम से अपने वाक्यों को बेहतर बना सकते हैं। सपोज कीजिए वाक्य है खेल कर तो दिखाओ, खेल कर तो दिखाओ, फिर इसको आप कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे शो मी टू, वीवर में है प्ले, शो मी टू प्ले, खेल कर तो दिखाओ, जरा पहन कर दिखाना, पहन कर दिखाना, शो मी टू वीवर, वीयर, ठीक है ना। शो मी मीन्स दिखाओ मुझे, टू प्लस क्रिया जो भी कार्य है, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, लिख कर तो दिखाओ, कूद कर तो दिखाओ, नाच कर तो दिखाओ, जो भी है, शो मी प्लस टू के बाद आप उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे। बहुत सरल तरीका है। सपोज ये एक वाक्य में आप दिखे, आजकल प्राय लोग बोलते हैं अरे हाथ लगाकर तो दिखाओ, हाथ लगाकर तो दिखाओ। तो मित्रों ये वाक्य दो तरह से आपको एक्सप्रेस करता है, हाथ लगाकर तो दिखाओ। पहले आप स्ट्रक्चर के अनुसार शो मी लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, शो मी टू। अब हाथ लगाने का मतलब मुझे छू कर तो दिखाओ, हाथ लगाओगे मीन्स मुझे छूओगे, तो हाथ लगाकर दिखाओ इट मीन्स मुझे छू कर दिखाओ। तो आप कैसे लिखोगे? शो मी टू, पहले आप शो मी लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? टू, और हाथ लगाकर दिखाने का मतलब मुझे छू कर दिखाओ, तो आप सीधे लिखेंगे टच, शो मी टू टच। शो मी टू टच मीन्स पढ़ करके दिखाओ, छू करके दिखाओ, हाथ लगा कर तो दिखाओ, जो भी कहना है आप इम्प्रेसिव स्टाइल में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अपने स्पोकन को अधिक से अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अंत तक मेरे हर वीडियोज को देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगर मित्रों आपके समझ में आया हो, वीडियो को आपने सही सही पढ़ा और देखा हो, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आशा करूँगा कि आप होमवर्क करेंगे और उसे जो है निश्चित रूप से करेंगे, लिखेंगे। चलिए, कूद कर तो दिखाओ वाक्य है मित्रों, कूद कर तो दिखाओ, ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क के स्टाइल में आप कूद कर तो दिखाओ इस होमवर्क को करेंगे, बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर भेजेंगे, मैं आपके उत्तर को पढ़ूंगा और आपके लिए यस या नो में जो भी उत्तर होगा मैं उसका आंसर पढ़ करके चेक करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि आप जरूर पढ़ेंगे। और वीडियो को पसंद आने पर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों हम इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह छोटा सा वीडियो लेक्चर बंद करता हूँ और पूरा नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग अधिक से अधिक पढ़ें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।